हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HLB स्केल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, इसको स्किप मत कीजिए, प्लीज़ इसको पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसलिए आपके लिए इसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करता हूँ मैं पहले। सबसे पहले गाइस, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों है गाइस, ये हमारे थ्योरेटिकल में भी 5 नंबर में पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल में तो मोस्टली पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, मुझसे भी पूछे जा चुके हैं कई बार, मुझसे भी 2-3 बार पूछा जा चुका है कि HLB स्केल कितने रेंज में कौन सी अपने प्रॉपर्टी शो करता है, कैसा है। तो सर ये सब पूछे जाते हैं, इसका उसका फाउंडर कौन थे, उसकी डिस्कवर किसने किया था, ये सब पूछते हैं। तो गाइस इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारा 5 नंबर में अपना थ्योरेटिकल में भी बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसको देखना ना भूले। और फ्रेंड्स ये हमारा जो टॉपिक है हमारा HLB स्केल, ये हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हिसाब से भी इक्वली इंपॉर्टेंस है कि हमको बताएगा कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो गाइस कोई भी प्रिपरेशन हो, कैसे भी बना रहे हो आप, उसमें कहीं ना कहीं आप जरूर यूज करेंगे आपके किसका, आपके HLB स्केल का कहीं ना कहीं जरूर यूज होगा। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं HLB स्केल के बारे में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस इन अपडेट। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं HLB स्केल के बारे में। तो गाइस जैसे HLB स्केल, मतलब हम HLB स्केल सबसे पहले इसकी एब्रीवेशन जान लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो गाइस इसकी फुल फॉर्म क्या कहती है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। एच मतलब हाइड्रोफिलिक, एल मतलब लिपोफिलिक, और बी का मतलब बैलेंस। तो क्या है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक को बैलेंस करके रखता है, तो उसका काम है बैलेंसिंग करना, तो ये स्केल है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, कि हमारी डेफिनेशन क्या है HLB स्केल की। तो क्या कहा है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस ऑफ अ सर्फेक्टेंट। इसने क्या कहा, ये हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक इसका बैलेंस है, सर्फेक्टेंट का बैलेंस है, किसका, सर्फेक्टेंट का बैलेंस है। तो किसका बैलेंस है फ्रेंड, ये हमारे सर्फेक्टेंट का बैलेंस है। क्या, ये हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस ऑफ अ सर्फेक्टेंट इज अ मेजरेबल डिग्री टू विच इट इज अ मेजरेबल डिग्री टू विच इट इज अ हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। इसने क्या कहा, ये बैलेंस है हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट के बीच, और क्या करता है, ये बताता है कितने डिग्री क्या है, कितने डिग्री हमारा हाइड्रोफिलिक है और कितने डिग्री हमारा लिपोफिलिक है। तो ये बात कर रहा है हमारा HLB स्केल की डेफिनेशन कहती है। तो फ्रेंड्स जो HLB स्केल होता है, सबसे पहले उसको डिस्क्राइब किया था हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रैफिन, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देख लीजिए आप, उनका नाम था ग्रैफिन, जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया था हमारा HLB स्केल। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था 1949 to 1954 में इसको डिस्क्राइब किया था। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने इसे बात की कि क्या कहा, ये हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस है सर्फेक्टेंट का। तो गाइस जो सर्फेक्टेंट हमने टर्म यूज किया यहाँ पे, उसका ही बहुत बड़ा रोल है इस फील्ड में, इसमें इस हमारे जो HLB स्केल, इसमें बहुत बड़ा रोल है सर्फेक्टेंट का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि सर्फेक्टेंट इज अ सब्सटेंस। इसने कहा सर्फेक्टेंट एक सब्सटेंस है विच हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। क्या करते हैं, इसके पास टेंडेंसी होती है कि वो रिड्यूस कर दे सरफेस टेंशन ऑफ बिटवीन टू लिक्विड और टू फेज, दो लिक्विड के बीच में, दो फेज के बीच में सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है, ये टेंडेंसी होती है हमारे सर्फेक्टेंट की। तो गाइस सर्फेक्टेंट के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे इस लेक्चर में, आज जितना भी टॉपिक है सर्फेक्टेंट के बारे में ही जानेंगे। तो गाइस इसीलिए सर्फेक्टेंट के हमने बारे में जाना। तो गाइस एक बात और जान लेते हैं सर्फेक्टेंट के बारे में, कि जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है उसको हम यूज कैसे करते हैं, मतलब जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है उसको हम यूज क्यों करते हैं, क्या जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम यूज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, के प्रोडक्ट की हमारी प्रॉपर्टी कैसी कैसी होगी उस पर, इसलिए जानते हैं सर्फेक्टेंट के बारे में। तो आइए बात करते हैं स्केल के बारे में, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो कौन सी रेंज में किस तरह बिहेव करेगा, मतलब किसे कैसे वो बिहेव करेगा। तो गाइस जैसे हम कुछ कहीं जगह सर्फेक्टेंट को यूज करते हैं, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं, अपन इमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज करते हैं, तो उसकी रेंज क्या क्या हो सकती है, तो यही जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जान लेते हैं सबसे पहले एंटी फॉर्मिंग एजेंट। एंटी फॉर्मिंग का एजेंट का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट में, फॉर्मिंग का मतलब होता है झाग बनाना, यानी लेदर कहते हैं जिसको आप। तो क्या ये एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कब करेगा, जब इसकी रेंज कितनी होगी, जब 2 से 3 की रेंज में होगा, तो काम करेगा ये कितना, कैसे, एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह, मतलब झाग के खिलाफ काम करेगा। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं
वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट से मतलब है कि वाटर क्या है हमारा यहाँ पे डिस्पर्स फेज है और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो ऑयल है, तो हमारा जो डिस्पर्स फेज यानी डिस्पर्स जो घुलेगा यानी वाटर है, तो क्या है जो इमल्सिफाइंग है, इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब क्या होता है गाइस, जब हम इमल्शंस बनाते हैं जैसे हम इमल्शन बनाते हैं सस्पेंशन बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है जो हमारे इमल्शंस में क्या होता है जो हमारे दो लिक्विड फेज होते हैं वो आपस में मिल नहीं पाते मतलब मिसिबल नहीं हो पाते, तो उनको मिसिबल करने के लिए हम यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, तो गाइस यही इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो वो किसने कंडीशन में होगा इसकी इसकी 3 to 6 की जब वो रेंज में होगा तो वो क्या करेगा एज अ यूज किया जाएगा इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यानी वाटर इन ऑयल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं हम अब नेक्स्ट में स्प्रेडिंग एजेंट, स्प्रेडिंग का हम जैसे टर्म ही इंडिकेट करते हैं स्प्रेडिंग में फैलना यानी वेटिंग करना, तो जब कितनी रेंज में होगा 7 to 9 की रेंज में होगा तो यूज किया जाएगा एज ए स्प्रेडिंग एजेंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑयल इन वाटर मतलब जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो क्या है ऑयल है और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है वाटर है यानी पानी है, पानी यानी एक्वस है, तो गाइस बाहर भी पानी पानी हो रहा है बारिश हो रही है तो याद रखिए, तो क्या है यहाँ से हमारा एक्वस फेज है वाटर और हमारा जिसमें जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो है ऑयल, तो क्या हुआ इस कंडीशन में भी सेम ऐसे ही काम करेगा मतलब दोनों फेज को मिक्स करने में हेल्प करेगा, मिसिबल करने में हेल्प करेगा हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट। किस कंडीशन में अगर वो होगा 8 to 16 कंडीशन में इसकी कैटेगरी में होगा मतलब इस रेंज में होगा तो वो हमारा एज अ यूज किया जाएगा ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्जेंट के बारे में बात करते हैं, तो डिटर्जेंट क्या होते हैं गाइस, तो डिटर्जेंट होते हैं हमारे वो क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, डिटर्जेंट क्या होता है एक क्या होता है एक सर्फेक्टेंट होता है और मिक्सचर होता है सर्फेक्टेंट का जिसकी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी प्रॉपर्टी होती है क्लिनजिंग एक्शन की मतलब क्लिनजिंग का मतलब धोना होता है वैसे की प्रॉपर्टी होती है हमारे डिटर्जेंट की, तो कितने रेंज में आएगा 13 to 16 की रेंज में होगा तो हमारा यूज ऐसा यूज कर जाएगा ये कैसे डिटर्जेंट की फॉर्म। तो गैस बात करते हैं नेक्स्ट सोल्यूबलाइजिंग एजेंट क्या होते हैं गैस, जो हमारे जैसे हमने क्या कहा कि हमने कुछ सस्पेंशन बनाया तो सस्पेंशन में हमने कुछ हमारा जो सोल्यूट होगा वो क्या डिजोल्व नहीं हो रहा मतलब सोल्यूबल नहीं हो रहा, तो गैस उसको सोल्यूबल करने के लिए हम यूज करते हैं हमारा क्या सोल्यूबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो गैस मतलब ताकि वो घुल जाए उसमें तो उसको कहते हैं सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। तो कितनी मतलब रेंज होगी इसकी 16 to 18 में क्या होगा वो सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो गैस अब इधर आ जाते हैं तो इधर बात करते हैं यहाँ से देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जान लेते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में इसके बाद इसके लिए बात की थी हमने हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के बारे में जाने थे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वहां से जान सकते हैं आपके हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक क्या होता है, फिर भी बेसिक यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो बात करते हैं जैसे हाइड्रोफोबिक का मतलब हाइड्रो का मतलब होगा यहाँ पे वाटर और फोबिक का मतलब होगा यानी वाटर हेट्रेड, हाइड्रो का मतलब वाटर हो गया हमारा एक्वस फॉर्म हो गया और फोबिक का मतलब होगा हेट्रेड, तो क्या होता है ये हमारे होते हैं वाटर हेटेड होते हैं तो इसलिए क्या होता है ये ऑयल सोल्यूबल होते हैं, इसलिए क्या आसानी में अगर भाई वाटर हेटेड है तो ऑयल तो ऑयल में तो लविंग होंगे तो ये क्या ऑयल सोल्यूबल है, तो अगर कितने 0 to 6 की रेंज में होंगे तो ये हमारे क्या होंगे ये हमारे हाइड्रोफोबिक होंगे। तो गाइस अब बात करते हैं ये हमारे ये 6 to 10 की रेंज में जो हमारे नहीं होते वाटर डिस्पर्सिबल मतलब आसानी से हमारे वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो कितने 10 से और जो अबव है हमारा लास्ट तक उसमें हम यूज करते हैं अपने हाइड्रोफिलिक यूज करते हैं। तो भाई हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ एक बार और बता देता हूँ, हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब होता है यहाँ पर हमारा लविंग, तो जो वाटर से लविंग होते हैं वाटर लविंग होते हैं तो इसलिए इनको क्या कहा है इसलिए वाटर सोल्यूबल क्या गया है आज ब्लू है पानी पानी, तो गाइस क्या है ये वाटर सोल्यूबल यानी एक्वस है एक्वस फेज है ठीक है। तो गाइस ये थी हमारे स्केल के बारे में आज के लेक्चर के बारे में, तो फ्रेंड्स इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है इसीलिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देखना ना भूले बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको स्किप ना कीजिए। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अगर इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर भी इसका इक्वली इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स इफ़ यू हैव एनी कमेंट तो यू कैन कमेंट, तो गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा जरूर, तो फ्रेंड्स इसीलिए कमेंट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, तो फ्रेंड्स तब तक के आप मस्त रहिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक बार आपसे, तो तब तक के आप मस्त रहिए मजे करते रहिए इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल फार्मा वॉरियर हब प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, थैंक यू गाइस।